भाई साहब, आपने आज पिटीशन दायर की है, अब कैसे देख रहे हैं पिटीशन पर? अगर फैसला आता है तो कांग्रेस के लिए बड़ी संजीवनी बूटी है। आप सबको पता है इंदौर लोकसभा से अक्षय बम को टिकट कांग्रेस पार्टी ने दिया था, सब्स्टिट्यूट के रूप में मेरा नाम था। अक्षय बम के द्वारा नाम वापस लेने के बाद ये प्रावधान है कानून में कि सेकंड जिसका नाम होता है वो पार्टी का प्रत्याशी हो जाता है। इसी बात को आधार मानकर हमने उच्च न्यायालय में आज रिट पिटीशन दायर करी है और माननीय न्यायालय से हमने आगे निवेदन करा है कि चूंकि हमारा प्रत्याशी जो अक्षय बम था उसके नामांकन के बाद मेरा नाम शेष बचा, इसलिए मुझे कांग्रेस प्रत्याशी माना जाए और मुझे चुनाव चिन्ह पंजा आवंटित किया जाए। क्या आगे आप रिपोर्ट भी लाएंगे? पहले हमको उच्च न्यायालय पे पूरा भरोसा है, हमारे पक्ष में फैसला आएगा तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और अगर हमारे पक्ष में अगर के फैसला नहीं होता है तो सर्वोच्च न्यायालय पे जाएंगे। क्या वरिष्ठ नेताओं से कोई चर्चा हुई है? कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जीतू पटवारी जी, उमंग सिंघा जी, विवेक टंका जी और शीर्ष नेता जितेंद्र भंवर सिंह जी, सभी और जिला अध्यक्ष शहर अध्यक्ष जी सबसे हमारी चर्चा हुई है और सबकी सहमति से ही आज जो हमारा रिट पिटीशन किया गया। आपका फॉर्म निरस्त हुआ था कि हटा दिया गया था, क्या हुआ था आपके? मेरे फॉर्म में निर्वाचन अधिकारी के द्वारा ये लिखित में दिया गया कि चूंकि आपका भी फॉर्म था, अक्षय बम का भी फॉर्म था, अक्षय बम का भी फॉर्म होने के कारण प्रथम दृष्टया उनका फॉर्म स्वीकार हो गया है, इसके आधार पर सेकंड नाम हम आपका अस्वीकार कर रहे हैं। जबकि कानून में ये प्रावधान है कि नाम वापसी की अंतिम तिथि और अंतिम समय तक दोनों फॉर्म वैलिड रहना थे, जिसका भी एक का अगर फॉर्म या निरस्त होता है या निकाल लेते उसके बाद सेकंड नाम ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता। हमने कल ही जिला निर्वाचन अधिकारी को एक लिखित में शिकायत दी थी, हमने निराकरण की मांग करी थी, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई निराकरण नहीं हुआ, उसके बाद हमने फिर निर्णय कर हम उच्च न्यायालय आए। क्या लग रहा है, क्या अधिकारी दबाव प्रभाव में है? अब ये तो पता चलेगा, माननीय न्यायालय इसमें फैसला करेगा कि कानून में अगर लिखा है तो उसका पालन अधिकारियों को करना चाहिए, अगर उन्होंने नहीं करा है तो माननीय न्यायालय उस पर जो भी संज्ञान लेंगे वो स्वीकार होगा। हम कितना दम हम साहब ये चुनाव क्या मुद्दा? कांग्रेस पार्टी ने अक्षय बम को टिकट दिया था, सेकंड मेरा नाम था, तो पूरी कांग्रेस पार्टी दमखम से और एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता दमखम से चुनाव लड़ेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।